एक हमारे फ्रेंड है, वो पूछते हैं, कहते हैं कि कोई भी तरीके का एडिक्शन जो है कभी खत्म नहीं हो सकता। जैसे ड्रिंक करने की आदत है तो धीरे धीरे मतलब सोचते हैं वो कि मतलब 2 गिलास पीते तो 1 पीऊंगा, जैसे दिन नहीं पी तो मतलब सोचा कि छोड़ दूंगा, तो टैबलेट्स लेनी स्टार्ट कर दी। मतलब ड्रिंक के अलावा भी जैसे कुछ लोग हैं वो सोच रहे हैं उनको किसी ऐप का एडिक्शन लग जाता है, जैसे कि खाली बैठे हैं तो सीधा यूट्यूब पे क्लिक हो गया बार बार। मतलब वो चाहते हैं कि उस चीज़ से बाहर आ जाएं, लेकिन उनके दिमाग में बैठा हुआ है कि एडिक्शन को हम मतलब इधर उधर ट्रांसफ़र कर सकते हैं लेकिन वो ख़त्म नहीं हो सकता। मतलब उसको रिड्यूस कर सकते हैं लेकिन खत्म उसको नहीं कर पूरी तरीके सकते। से। ये थोड़ा सा उसको पहले समझिए, उस बेचारे की हालत समझिए। जो बंदा बोल रहा है कि एडिक्शन कम तो हो सकता है लेकिन ख़त्म नहीं हो सकता, वो कहीं ना कहीं एडिक्शन से लड़ाई कर रहा है, एक चीज़। और एक बड़ी प्रॉब्लम ये भी है कि नाम पता चल गया उसको एडिक्शन। जैसे मैं आपको बोल दूं कि ये जो है ना, ये पर्दा है, तो पर्दा आप जानते हैं, पर्दे को तो आप खोल सकते हैं, बंद कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं कह दूं ये भूत है जो अभी हिलेगा, और अगर भूत की आपके मन में आइडियाज़ हैं कि भूत ऐसे उड़ता है, काट लेता है, ऐसे ही एडिक्शन वर्ड अपने आप में लोग जानते नहीं इसके बारे में बहुत, बट आइडियाज़ बड़े स्ट्रांग हैं। अच्छा, दूसरी चीज़। तीसरी चीज़, जब भी कोई भी आदमी किसी एडिक्शन के साथ फाइट करने की कोशिश करता है या उसको ख़त्म करने की कोशिश करता है, वो ये भूल जाता है कि वो एक एक आइडियल को ला रहा है, जिसको जैसे आपने कहा ना, एडिक्शन ख़त्म नहीं हो सकता, कम हो सकता है। तो उस आइडियल ख़त्म हो जाना एक आइडियल है कि मैं एक ऐसी लाइफ जीऊँगा जो मैं कभी यूट्यूब नहीं छूँगा, कभी सिगरेट नहीं पीऊँगा, या कभी भी अल्कोहल नहीं पीऊँगा, ये एक आइडियल हो गया है। आइडियल दुनिया में होता नहीं है। इवन एडिक्शन का भी आइडियल जो है, बहुत टाइम के बाद जिनको भी एडिक्शन ख़त्म भी हो जाता है, वो गैप्स बढ़ते जाते हैं। जैसे अगर मैं अल्कोहलिक हूँ, तो हज़ारों लोगों की अल्कोहल ख़त्म हुई है। इनफैक्ट हमने तो पूरी सीरीज़ पढ़ी थी, लखीमपुर में तो शायद कोई ग्रुप नहीं है, बट बड़े बड़े शहरों में अल्कोहलिक एनोनिमस नाम का एक ग्रुप है, जो एक बंदे ने, ही वॉज अ मिलिट्री ऑफिसर, और उसको वॉज अ वेरी हार्ड कोर ड्रंकर मिलिट्री का, और बाद में अचानक में एक दिन उसको कोई एक्सपीरियंस आया था, बड़ा कहता है कि मुझे मिस्टिकल एक्सपीरियंस आया था। उसके बाद से उसने अल्कोहल छोड़ दी और उसने फिर ग्रुप बनाया, और आज पूरी दुनिया में सब जगहों पर ग्रुप्स बनते हैं, उसको अल्कोहलिक एनोनिमस बोलते हैं। इनफैक्ट उसका आप डालेंगे अल्कोहलिक एनोनिमस तो बहुत बड़ी बड़ी संस्था है, करोड़ों लोगों की संस्था है, उसमें लोग इकट्ठे होते हैं। और अल्कोहलिक एनोनिमस की वजह से ही ढेर सारी अलग अलग टाइप की ग्रुप्स निकली है, जिसमें अलग अलग टाइप के एडिक्शंस के लिए वो लोग बात करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट जो चाहिए होता है, उसमें दो चीज़ें चाहिए होती किसी भी एडिक्शन को ख़त्म करने के लिए। एक, कि आदमी अपने खुद के थॉट्स को समझ सके कि जब मेरे मन में ये थॉट आ रहा है ना कि एडिक्शन ख़त्म नहीं होगा, कम हो जाएगा, तो ये जो थॉट है ये रियल थॉट नहीं है, रियलिटी नहीं है, ये इमोशन से दबा हुआ बेचारा एक इंटेलिजेंस बोल रहा है। जैसे कोई बच्चे को आप पकड़ करके धमकी दे, तो ये वही बोल जो मैं बोल रहा हूँ, तो ऐसे ही इमोशन उसको दबा रहा है इंटेलिजेंस को। दूसरी चीज़, कि किसी भी एडिक्शन में ख़त्म होने के लिए यू नीड समवन टू लव एंड केयर, क्योंकि ज़्यादातर एडिक्शंस इसीलिए होते हैं बिकॉज वी फील अलोन। जब अलोन होते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसा करने का मन करता है कि उस अलोननेस से बाहर निकले। इनफैक्ट जो हम लोग बात कर रहे हैं अल्कोहलिक एनोनिमस की, वो भी क्या करते हैं, ग्रुप्स में लोग इकट्ठे होते हैं और बताते हैं कि मैं ऐसा था, मैं इस कंडीशन में था, मैं इस परेशान था, इसलिए मैंने किया। शुरू शुरू में लोग नहीं खुलते, लेकिन धीमे धीमे खुलते जाते हैं। जब खुलते का मतलब एक दूसरे को ओपन होकर के अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। जब फीलिंग्स शेयर करते हैं तो सामने वाले को देख करके लगता है वो तो मुझसे थोड़ा सा ज़्यादा एडिक्टेड था, वो कम हो गया, और मैं शायद थोड़ा और कम हो जाऊँ। तो कभी भी ये नहीं सोचना है कि ख़त्म हो जाएगा एडिक्शन, ये सोचना है कि ठीक कम हो जाएगा, लेट्स वर्क ऑन रिड्यूसिंग इट। बढ़ा भी तो ऐसे ही था, जब एडिक्शन बढ़े थे कैसे बढ़े थे, थोड़ा सा किया फिर थोड़ा और किया फिर थोड़ा, बट ये हमारा आप समझा नहीं सकते जब तक वो आदमी खुद नहीं इंटरेस्टेड हो। बट जब भी हम उससे बात करें जो भी एडिक्टेड है, और वो अपने आप आपसे आके पूछता है, तो उसको यही बोलना चाहिए कि एडिक्शन खत्म नहीं हो सकता, कम तो हो सकता है, तो लेट्स वर्क ऑन इट। तो ये किसी को बोले, अगर कोई मरीज ठीक नहीं हो सकता तो थोड़ा सा उसको बीमारी कम हो सके, तो थोड़ा सा तो बीमारी कम करेंगे, क्या पता उससे फिर एक और स्टेप आगे बढ़ सके, फिर एक और स्टेप आगे बढ़ सके। तो इट नीड्स लव एंड इट नीड्स फाइटिंग योर ओन आइडियल्स। आइडियल्स इसलिए आते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं हम चाहते हैं, हमारा इमोशंस चाहता है कि एडिक्शन चलता रहे, वो ईजी है ना, बट प्यार आएगा तो धीमे धीमे हो जाता है। मैंने देखा है, मेरे को बहुत सी चीज़ों का एडिक्शन नहीं बोलूँगा मैं कहूँगा मुझे हैबिट थी बहुत सी चीज़ों की, वो अब नहीं है। जब थी उस मुझे लगता था कि बहुत स्ट्रांगली कि उसके बिना तो लाइफ चल ही नहीं पाएगी, लेकिन अब वो नहीं है।
नहीं भी है और बहुत कम भी हो गई हैं। तुझे पता है मैं चोर था। मैं स्कूल में जो भी क्लास 8th में 9th में महंगी महंगी पेन चोरी करता था। मैं लिखता भी नहीं था उससे, क्योंकि चोरी करके अगर घर पे ले आए तो पापा भी मारते थे। मैं ले आता था कभी कभी चुपके चुपके लिखता था। और हैंडराइटिंग कौन सी मतलब खूबसूरत बन रही है उससे कुछ नहीं। इनफैक्ट रेनॉल्ड्स की पेंसिल पेन होती थी उससे अच्छी हैंडराइटिंग होती थी। लेकिन मुझे आइडिया होता था कि इसको भी एक बीमारी बोलते हैं जो आप जबरदस्ती चोरी करते हैं, क्लेप्टोमेनिया ऐसा कुछ बोलते हैं इसको ना। तो अब है ही नहीं, अब चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिकॉज जब चोरी करने में अपने आप में बहुत स्ट्रेस है, पता है ना आपको, स्ट्रेस होता है। चोरी करेंगे उसके बाद बचा के रखेंगे, तो ये जो भी एडिक्शन का काम है ये अपने आप में बहुत स्ट्रेसफुल एक्टिविटी है। बट आप करते हैं इसलिए बिकॉज आप अंडर स्ट्रेस होते हैं। तो अब नहीं है। इनफैक्ट मैंने चोरी कब की थी लास्ट, शायद 10 साल 15 साल हो गए, नहीं काफी। इसलिए कोई मुझे चोर दिखाई देता है या एडिक्टेड दिखाई देता है तो मैं बोलता हूँ कोई दिक्कत नहीं, ठीक हो जाएगा, परेशान ना हो, ठीक हो जाएगा। वर्ड एडिक्शन बहुत ताकतवर नहीं है। दोस्तों हम लोग एक डीप नॉलेज स्टडी सेंटर बना रहे हैं जहाँ पर हम बच्चों को पढ़ा सकें, जहाँ पर आप आकर के हमारे साथ मिल सकें, रह सकें, और एक प्रॉपर स्कूल भी हम खोलना चाहते हैं। काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन आपके सपोर्ट के साथ ये पॉसिबल हो पाएगा। हम आपको अपील करेंगे कि अगर आप चाहते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि मेरे बच्चे के लिए एक ऐसा स्कूल दुनिया में रहे मेरे मरने के बाद, मेरे बच्चे के लिए और उसके बच्चों के लिए, हम सब के बच्चों के लिए। और कोई करेगा नहीं मेरे हिसाब से, हम किसकी मुंह देखें, सब अपने काम में बिजी हैं। तो हम सब, मैं भी अपनी मेडिकल जॉब करता हूँ, शाम को जब घर पे आता हूँ तो अपने टाइम को लगाता हूँ, और मैंने अपने काम में से कुछ न कुछ पैसे निकाल करके मैं बचा के रखता हूँ। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग भी इस तरह के सपने में, इस तरह के एम्बिशन में, इस तरह के काम में अपने आप को इन्वॉल्व करना चाहते हैं, तो कुछ महीने का केवल 1%, 2%, 7%, 10% जो भी आपको ठीक लगता है उसको निकाल करके इस काम के लिए बचा कर रखिए। और हम लोग का हो सकता है अगले 10-15 साल में ही, या हो सकता है उससे जल्दी, वो स्कूल खोलना जिसमें कि बच्चों को हम बचपन से ही एक जिलोगी बना सकें, ऐसा स्कूल खोलने का हमारा सपना सच हो जाएगा। थैंक यू।